हेलो गाइस, तो भाई एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका एक न्यू और दमदार वीडियो के साथ। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि भाई मैं आ गया था जलंधर से अपने जम्मू में ही, तो भाई अभी जम्मू में ही हूँ यार। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज अपने पास तो ट्रक नहीं है, क्योंकि वो आपको जैसे पता भी है कि ज़ुबैर भाई और वो अपनी गाड़ी लेके चले गए। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो भाई अपने भाई जो नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई। तो गाइस क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो भाई अच्छा ही आना चाहिए। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आपके लिए एक स्पेशली वीडियो आ रही है, स्पेशली क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भाई काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि राजा भाई आपके पास जो ग्रीन वाली अल्टो है वो कहाँ से मॉडिफाई हुई, कहाँ से कैसे। तो गाइज़ हमारा व्लॉग स्पेशल होने वाला आज उसी ग्रीन अल्टो पर ही। तो गाइज़ अपनी लोकेशन है, आज मैं आ गया हूँ जम्मू सिद्रा में अभी भी जस्ट। तो दिखाते हैं पहले गाड़ी, तो पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं भाई गाड़ी कहाँ से मॉडिफाई हुई, किसने की और इस पर कितना खर्चा आया, सब कुछ बताएंगे। तो चलो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले दिखाते हैं आपको गाड़ी बाहर से और गाड़ी के ऑनर से मिलाते हैं। तो गाइस ये रही गाड़ी, आप देख भी सकते हैं यार भाई J&K में एक ही मतलब यूनिक, सबसे ज़्यादा यूनिक गाड़ी J&K में, किसी के पास ऐसी गाड़ी यूनिक मैंने नहीं देखी भाई। अपने कज़न ही भाई हैं, अब वासित भाई और ये अपने गाड़ी के ओनर खुरम भाई। तो गाइज आपको दिखाते हैं यार गाड़ी पे कितना खर्चा आया और गाड़ी मतलब को क्या क्या नई नई क्या क्या चीज़ लगी हुई है। खुरम भाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं हम इसके बैक से। बैक से तो फर्स्टली बात आ जाती है इसके रिफ्लेक्टर पर, बाकी होता ही है कि ब्रिज़ा, एस्प्रेसो और इग्निस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टर होते हैं, बट इस गाड़ी में नहीं होते, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी शौक पूरा करें, रिफ्लेक्टर हैं साथ में आगे HKS के एग्जॉस्ट। तो गाइस देख सकते हो यार कितने ही यूनिक लग रहे हैं, ये अल्टो 800 है भाई, अल्टो 800 में ये नहीं आते यार, ये भी भाई ने लगाया और ये भी। हाँ वो वेल्डिंग करना पड़ता है, अगर वर्किंग वाले चाहिए तो वो वेल्वोट्रॉनिक के आते हैं, उसमें वर्किंग होती है और रिमोट कंट्रोलिंग होते हैं, आवाज़ रोड भी होती है और जब कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले रुकाएँ तो बंद भी कर सकते हैं। बंद भी कर सकते हो? हाँ। तो इनमें से कौन सा काम कर रहा है, ये वाले सर? हाँ इसमें ये काम कर रहा है, ये इसको मफलर कह सकते हैं। तो ये डेकोरेशन के लिए? हाँ इनका ऑड लगता है ना, अगर सिर्फ एक साइड पे दो और एक साइड पे ना हो तो ऑड सा लगता है। उसके बाद कलर की बात करते हैं, कलर साथ का है? कलर ये साथ का नहीं है, आफ्टर मार्केट कलर है, तो ग्रीन कलर पसंद था। मैं सोचा कितना खर्चा आया था इस पर कलर पे? सिर्फ कलर पे आ गया था कुछ 20,000 से नीचे ही आ गया था, और लाइफ टाइम वारंटी है कलर की, यही सबसे बड़ी बात है। तो गाइस सबसे बड़ी बात है भाई ने अपने हाथों से अल्टो तैयार करवाई है पूरी अपनी शौक से यार। उसके बाद भाई ये टेल पे आ गई, ये कुछ अलग सी दिख रही है। हाँ ये आफ्टर मार्केट टेल लाइट है, फ्रंट हेडलाइट भी आते हैं, मिनी कॉपर स्टाइल और दो तीन स्टाइल भी आते हैं, बट मुझे ये पसंद था तो मैंने ये इंस्टॉल किया। तो उसके बाद ना और क्या लगा है, स्पाइलर? हाँ ये स्विफ्ट का स्पाइलर, स्विफ्ट का स्पाइलर भाई ने एडजस्ट किया यार। भाई कलर कैसे मैच किया इस पर भी? ये तो एक मेरे ख्याल से तो पेंटर जो था वो बेस्ट था, एक काफ़ी माना हुआ कारीगर था जिसने बिल्कुल मैचिंग कर दी। अब देखो होता ही है कि प्लास्टिक और फाइबर में कलर का मैच होना बहुत एक डिफरेंस और काफ़ी मुश्किल टास्क रहता है एक पेंटर के लिए, लेकिन फिर भी उसने ऐसी मैचिंग कर दी पता ही नहीं चला, और साथ में स्कल्टिंग भी देख लो। तो गाइस देख सकते हो गाड़ी के अलाय, स्कल्टिंग, और भाई ये क्या लगा हुआ है? ये होती है बम्परों की, इनकेस आपका बम्पर यहाँ से उड़ जाता है तो एक पैच यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, फिर इसको इस तरह से टाइट करके आप दोनों बम्पर को बराबर एक लेवल में कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप अलाय भी देख सकते हो यार कितना खूबसूरत, भाई ने उसी हिसाब से लगाया, मतलब जिस हिसाब से भाई ने कलरिंग गाड़ी को की उसी हिसाब से अलाय भी एडजस्ट किया। और उसके बाद ना भाई ये स्कल्ट आ गई, ये वाली भी भाई ने लगवाई फाइबर की, ये वाली भाई ये देख सकती हो। और उसके बाद आ जाते हैं मिरर पे, मिरर साथ वाले हैं? मिरर साथ वाले नहीं है, आफ्टर मार्केट है, और ये जम्मू में पहली एक गाड़ी है जिसको ये वाले मिरर इंस्टॉल हुए हैं। अब ये जो मिरर आ रहे हैं साथ में रोटेटेबल अंदर से आ रहे हैं वो वाला इंस्टॉल करना है, ये उतार देना है, साथ में ये 360 बटरफ्लाई मिरर और आफ्टर मार्केट इंडिकेटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देने के लिए। तो गाइस ये वाले लगवाए, ये भी? तो गाइस ये भी लगा यार सब, मतलब गाड़ी का जो था ना साथ वाला सिर्फ शैली मुझे लगता है भाई आपने सब चेंज किया। और उसके बाद भाई आते हैं फ्रंट लुक देख सकते हो। उसके बाद ना ये अंदर ये भी चेंज की हुई है लाइट्स? हाँ ये लैंप्स जो अंदर वाली वो चेंज की है, क्योंकि येलो होती है तो वाइट अच्छी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, फिर वो डाली है C6 के, और उसके साथ फ्रंट आपको तो पता ही है। तो गाइस एक चीज़ देख ले, शौक भाई ने शौक से गाड़ी तैयार की है, पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए शौक भाई। इसका बोनट चैनल खोल सकते हैं? बस भी खोल देना है। तो गाइस देखते हैं इसका बोनट भी खोल के आपको दिखाते हैं यार, ये तो मतलब किसी को ना मतलब होता है शौक के सिर्फ गाड़ी बाहर से तैयार करो, आपको इंजन का भी दिखा देते हैं भाई, खोलना जरा यार इंजन में खोलो यार।
तो गाइस देखना यार कैसा कॉम्बिनेशन भाई ने किया, देख लो ये रेड किया हुआ है सारा, ये रेड नहीं होता भाई, है ना, ब्लैक होता है ये भाई ने, देख लो ये भी रेड किया, ये रेड किया, ये और ये किया ना। हाँ, ये क्या भाई, ये होगी डैम्पिंग, जो एक्चुअली म्यूजिक सिस्टम हैवी है तो वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन को रजिस्ट करने के लिए डैम्पिंग करनी पड़ती है। अगर हम नई गाड़ी ले रहे हो ना तो सबसे पहले डैम्पिंग करो, क्योंकि जो भी अंदर की वाइब्रेशन होगी इंजन की या कुछ भी वो रजिस्ट हो जाएगी, उसकी वजह से हम कम्फर्टेबली जो होता है ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस कलर की जैसे बात करते हैं, मैं बार बार देख रहा हूँ यार, मतलब जम्मू में जैसे ये गाड़ी घूमती है ना पूरे जम्मू में, सबकी नज़र इसी पे होती है, किसी दूसरी साइड अगर मर्सिडीज़ भी होगी ना तो कोई नहीं उसको देखेगा। कलर की बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हो, देखो अपनी शक्ल दिख रही है हमें, मतलब यार कैसे यार, मतलब बिल्कुल मैच, पता नहीं चल रहा है कंपनी का कलर है या किसी ने बाहर से करवाया, भाई ने बाहर से ही करवाया। उसके बाद आगे ये तो भाई रहेगी भाई, इसका कुछ वर्क है ऐसे डेकोरेशन के लिए, कुछ नहीं वर्किंग वाला आता है लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। तो गाइस देख सकते हो, उसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर, उसके बाद एक और चीज़ दिखाते हैं भाई ने, ये भी लगाया हुआ है इधर अपना टैंकी, यहाँ से तेल डलता है गाड़ी को। तो उसके बाद ना पीछे देख सकते हैं आपने, ये बैटमैन लगाया हुआ है भाई ने, अंदर जाली लगी हुई है और ये आगे लाइट, सॉरी ये रात को जलती है गाइस, अभी तो दिन है नहीं तो आपको हम जला के दिखाते। हाँ ऊपर भी भाई ने ये सनरूफ ऐसे डेकोरेट किया और टेपिंग, उसके अलावा दिखाते हैं गाड़ी अंदर से, भाई अंदर आ जाओ एक मिनट। तो गाइस देख लो पहले गाड़ी अंदर से यार, तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले स्टीयरिंग से भाई। हाँ। ये गाड़ी का स्टीयरिंग साथ का है ना? ना ये आफ्टर मार्केट है, और इससे मैम रहता है लोगों को कि नहीं यार ड्राइव टाइम कुछ होगा, ये होगा वो होगा, 3 साल से यूज कर रहा हूँ कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, जो भी काम होता है कपलर टू कपलर। और ये रहे इसकी, हाँ ये रहा हॉर्न। हाँ तो ये आगे कंट्रोलिंग, अब महंगी गाड़ी तो है नहीं लेकिन शौक तो पूरा करना ही है। तो गाइस देख सकते हो भाई ने कंट्रोलिंग म्यूजिक सिस्टम के सारे इधर लगे हुए, मतलब सब कुछ इधर लगवाया हुआ है, स्टीयरिंग साथ वाला निकाल दिया भाई ने। उसके बाद ना भाई आगे हम आ जाते हैं, पहले सबसे पहले आ जाते हैं म्यूजिक सिस्टम पे आना या इंटीरियर पे, पहले दिखा देते। फर्स्टली हम म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के बारे में। हाँ म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ये रहा 9 इंच का एंड्रॉइड, साथ में इसके आ जाते हैं सोनी के 2 कंपोनेंट और साथ में होते ये रहे कंपोनेंट। हाँ तो मतलब ये रहे पॉइंटर के ट्यूटर। हाँ बैक और स्पीकर आगे सोनी के, JBL की बेस ट्यूब और JBL का आता है एम्पलीफायर। तो सिस्टम कंप्लीट ही ऐसे होता है, अगर हम इसमें कंप्रोमाइज़ करें कि नहीं सस्ता डालना है, ये करना है, ये चीज़ छोड़ दें, वो रखनी है, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब पैसा फजूल है। करो तो एक ही बार फुल म्यूजिक सिस्टम, नहीं करना तो हाथ ही मत लगाओ। ठीक। तो गाइस मतलब देख लिया भाई ने, मतलब म्यूजिक सिस्टम भी शौक से यार, बहुत ही हैवी म्यूजिक सिस्टम यार। उसके बाद भाई आ जाते हैं इंटीरियर पे, इंटीरियर से देख सकते हो भाई ने चेंज किया, ये इंटीरियर ये वाली साथ ही है भाई ने, ये देख लो ये भी किया अपने कलर, ये हाँ ये कॉम्बिनेशन किया, ये ब्लैक था ये इसको रेड किया, ये देख सकते हो भाई, मतलब ना भाई गाड़ी ना बहुत ही यूनिक लग रही है यार, जैसे आपको दिख रही है ये देखो, ये भी भाई ने किया, ये ब्लैक में था। उसके बाद आ जाता है रूफ, ये भाई ने ये है ना, ये भी पहले जो साथ वाला था ना वो रिमूव करके ना ये डाला, ये नरम से है, बर्फी वाला इंटीरियर। हाँ बर्फी वाला इंटीरियर। और उसके बाद ना देखो इसमें सिलाई कैसी की हुई है यार, ये भाई ना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई यार। और दूसरी बात है, पहले तो भाई की मिंत कर रहा हूँ गाड़ी दे दो, भाई बोल रहे हैं ना शौक से बनाई है भाई। और उसके बाद ये आपसे ट्रक मांगा था, ट्रक नहीं दे रहे में गाड़ी ना यार, ट्रक भी हमने शौक से रखा है आप गाइस, आपको पता भी है। और उसके बाद आ जाते हैं ये भाई, ये क्या गया, ये आ गया क्योंकि ट्रैवल करते करते इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बंदा थक जाता है, तो आराम से बाजू रख के ट्रैवल कर सकता है। हाँ तो गाइस लीवर की बात करते हैं, भाई ने ये भी चेंज किया देखो यार, ब्लैक और रेड। हाँ ब्लैक और रेड, ये भी यूनिक है भाई। उसके बाद ये आ गया चार्जिंग पॉइंट भी है। उसके बाद इस पे जो एटमॉस्फेयर लाइट फॉर्म में होती है वो भी जला के दिखाओगे भाई? हाँ ये आ गई, इसका कनेक्शन यहाँ पे, और ये रहा फ्रंट जो बार लाइट लगी है, यहाँ से उसके मोड चेंज कर सकते हो। अच्छा ये लाइट्स का है? हाँ ये लाइट आ जाती है क्योंकि ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, इस वजह से कंट्रोलिंग साथ में ही है। ठीक। उसके बाद गाइस आ जाते हैं, देख लो भाई ने क्या क्या शौक से यार, जो भी है शौक से, ये भी कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक का किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सीटू पे भाई, सीटू पे आ जाते हैं गाइस, आपको दिखा देते हैं ऐसे सीट, देख लो भाई ने ये भी भाई ने डाला हुआ है मैटिंग, सेम कॉम्बिनेशन भाई। उसके बाद सीट की बात करते हैं, सीट देख लो इतनी सॉफ्ट सीट है भाई, ऐसे मैंने किसी गाड़ी में भी नहीं देखा, मतलब इतनी अच्छी सीट और कम्फर्ट। ये आ गई गाड़ी की बैक साइड सीट, और ये रहे ये देखो यार, ये भी नहीं भाई ने छोड़ा, भाई ने ये भी नहीं छोड़ा, ये भी इसके साथ कॉम्बिनेशन किया, ये भी बूढ़े हो जाए गाड़ी तो नहीं रहेगी तो वो सब प्रॉब्लम आती है आपको पता है। तो भाई का कहना है मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन गाड़ी ऐसे ही रहेगी। तभी कमर के लिए ये मैंने पहले से एडवांस में रखी भाई, बाकी तो सब यार मैंने देख लिया, मतलब अच्छा लगा बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कौन सी,
ये ड्रीम कार है, इनकेस अगर मैं सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ में तो ये मैंने लेनी है, और ऐसी लेके तभी तो आपको पता ही मैंने छोटा सा स्टार्टअप किया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो गाइस एक और बात है यार, गाड़ी के लिए बात चल रही थी, भाई ने मुझे बोला कि राजा भाई गाड़ी बेचूंगा नहीं, अगर कहीं मतलब कुछ भी हो जाए ना, पुरानी भी हो जाएगी ना गाड़ी, अपने मकान के छत पर जाके रख दूंगा, लेकिन बेचूंगा नहीं। पंजाब शौक भाई शौक। तो गाइस उसके बाद दिखाते हैं। और एक और बात भाई, एक्चुअली ये गाड़ी हमने पूरी जो कस्टम भाई ने की ना, खुद अपने हाथों से की, और भाई की खुद की शॉप है। तो भाई चल एक और बात है, चलते हैं अपनी शॉप पे भी। हाँ ऑब्वियसली अब YouTube फैमिली को तो दिखाना ही है। हाँ तो गाइस एक बार फिर से बाहर से दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो भाई कितनी यूनिक कार है यार। भाई ये मेरी ड्रीम कार है यार, जैसे मेरा अपना ड्रीम, मुझे मेरे पास ट्रक का ना ड्रीम ट्रक, तो ये भी अपनी ड्रीम कार है भाई, देख सकते हो यार। गाइस मुझे बहुत ही पसंद आई यार, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रहा अपने खुरम भाई का क्विक मॉडिफिकेशन, ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो जो भाई इंटरेस्टेड है गाड़ी, जो जो भाई इंटरेस्टेड है गाड़ी मॉडिफाई करवाने में, तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हम अभी लोकेशन है हमारी सिद्रा में, हम सिद्रा से निकल रहे हैं सीधा, पहले चलते हैं भाई की शॉप पर, उसके बाद भाई की शॉप की विज़िट भी करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और जिस जिस भाई को मतलब अपनी शौक है गाड़ी मॉडिफाई करवाने का, वो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो भाई चलें इधर से। हाँ निकलते हैं। तो गाइस चलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया, इधर इधर से चलते हैं, पहले शॉप पे शॉप की विजिट करवाते हैं। पहुंच गए यार अपना छन्नी। तो भाई अब सामने वेवमाल और भाई की शॉप की लोकेशन आपको वो भी दिखाते हैं। वेवमाल के अपोजिट साइड से सीधा बठिंडी, यही रोड है ना भाई? हाँ सिग्नल के पास से जो सिग्नल है वहाँ से अगर कोई भाई आना चाहता है तो वहाँ से लेफ्ट ले सकता है आराम से। जैसे तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर, तो कर ली भी आए मिलने। हाँ तो कुछ फ्रेंड भी आए मिलने, गाड़ी कर ली पार्क। रही भाई की शॉप, तो भाई ये गाड़ियाँ काम के लिए लगी हुई है? हाँ ये काम पे चल रही गाड़ी होती भाई, तो ये गाड़ियाँ काम पे लगी हुई है। देखो भाई ने ये मतलब गाड़ियाँ तैयार कर ली, ये गाड़ी भी ये इनकी खुद की है, तो ये भाई की गाड़ी। और ये आगे भाई की शॉप क्विक मॉडिफिकेशन। हेलो जफरान भाई, जफरान भाई पहले बताओ आप कौन कहाँ रहते हो? अपने छोटे भाई जफरान भाई, एक बार हाय कर दो। हाय हेलो वेलकम यासिर व्लॉग, यासिर व्लॉग वेलकम 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 यासिर भाई, आपको जानते हैं भाई। एक बात सुनो, इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना, कर देना भाई, कर देना, फिर क्या होगा अपना भैया करेगा, करेंगे क्या करोगे? ये गलत बात भाई, ये गलत बात बोल रहे हैं, ये करेंगे करेंगे क्या करेंगे, क्यों करेंगे यार, क्या करोगे यार, भाई को स्पोर्ट है ना भाई का। अच्छा स्पोर्ट, लव यू भाई, लव यू अपने YouTube फैमिली भाई। मैंने सोचा कुछ और सोच रहे हैं ये, तो बाकी सब्सक्राइब तो करेंगे, कोई मसला नहीं। तो आगे तो फाइनली गाइस हम हो चुके हैं शॉप के अंदर एंटर। तो भाई आपको दिखाते हैं भाई की शॉप पे क्या क्या सामान है, मतलब क्या नहीं भाई, अगर आपको गाड़ी मॉडिफाई कराने है मतलब टायर अलाय से लेके पूरी फुल कस्टम भाई करके देंगे गाड़ी। तो ये रहा भाई की अपनी शॉप, देख लो भाई ये अपने आगे फ्रंट ग्रिल श्रिल, उसके बाद ये आगे म्यूज़िक सिस्टम सारा, यह म्यूज़िक है भाई के पास पूरा म्यूज़िक सिस्टम ए टू जेड भाई। उसके बाद ये वाली आगे लाइट्स, लाइट्स छोटी छोटी यूनिक चीज़ भाई जो जम्मू में नहीं मिलेगी वो भाई के पास पक्का मिलेगी यार। और उसके बाद ना भाई ये स्टिप जो गाड़ी के मतलब साइड डोर पर लगते हैं ये, उसके बाद ना देख सकते हो भाई ये छोटा मोटा सामान, मैंने बोला भाई छोटी छोटी चीज़ भी मिलेगी, भी सामान है यार, ये भी JBL का सिस्टम है सारा ए टू जेड। तो गाइज़ आपको जैसे करवा ली विज़िट पूरी शॉप की, तो भाई अगर कुछ भी भाई चाहिए गाड़ी के कुछ के कुछ भी मतलब जो जम्मू में नहीं मिले अवेलेबल हो जाएगा ना, जो जम्मू में नहीं होगा वो यही। हाँ तो भाई एक और चीज़ है, अपने रेट में भी काफ़ी कंसेशन है भाई से, मतलब अदर शॉप से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसेशन है, और भाई की जो चीज़ मिलेगी एकदम ओरिजिनल चीज़ मिलेगी भाई। हाँ और विद वारंटी म्यूज़िक जो होगा विद वारंटी, और जो प्रोडक्ट लेटेस्ट ट्रेंडिंग कुछ भी होगा वो सब अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो दो दिन के अंदर वो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को ला के दे।
तो गाइस एक और बात है यार, अपना ना मतलब आपको कलर भी कुछ भी भाई आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार की डेंटिंग पेंटिंग इंश्योरेंस अलाइट टायर कुछ भी कोई भी काम किसी भी रिलेटेड हो, बस टाइम होना चाहिए कस्टमर के पास, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी और काम करके दे देना है उनको। ठीक है, तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भाई का एक यूट्यूब चैनल है खुर्म व्लॉग्स, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देंगे, और भाई का मेन इंस्टाग्राम क्विक वे मॉडिफिकेशन उसका मैं हाँ वहाँ भाई भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है यार, आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक सुबह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सुबह नहीं भाई, एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ, तो देखेंगे यार अब कब वीडियो आएगी, सॉरी उसके लिए, जैसे आपको पता भी है घर में प्रॉब्लम्स है। तो भाई की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार, सबको दिल से लव यू। तो जल्दी जल्दी भाई अपने ट्रकिंग ब्लॉग आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी यार, क्योंकि हमें 7-8 दिन अभी और लगेंगे घर में, क्योंकि जैसे आपको पता भी है यार घर में प्रॉब्लम्स है कुछ, वो सब भाइयों को पता है। तो ठीक है गाइज, लव यू ऑल, लव यू दिल से, दुआओं में याद रखना। तो यूट्यूब फैमिली मुझे मिस कर रही है, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो भाई जो जो इंटरेस्टेड है भाई शॉप पर एक बार विज़िट कर लो, तो बाय।